अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में सामाजिक सुधार आंदोलन, और सामाजिक सुधार आंदोलन में टॉपिक है हमारा प्रार्थना समाज का। अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और इस क्लास में ब्रह्मा समाज के जो पॉइंट छूट गए थे वो पॉइंट भी है ना। पहले ब्रह्मा समाज के कुछ तथ्य हैं, उसके बाद प्रार्थना समाज है, और प्रार्थना समाज के बाद स्त्री शिक्षा के कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, अंत तक बने रहे मेरे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों के साथ। तो देखिए, वैसे तो प्रार्थना समाज के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तथ्य रह गए थे ब्रह्मा समाज की पहली वीडियो से। तो देखिए, राजा राममोहन राय, राय ये उपाधि थी इनके नाम के साथ, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और ये उपाधि किसने दी थी इनको? अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय ने ये वाली उपाधि इनको दी थी। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल नामक शहर में। तो जब इनकी मृत्यु हो गई, 1833 में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली? तो बागडोर संभाली थी द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने संभाली? द्वारकानाथ टैगोर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत हो पूछेगा। अगला मुद्दा है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तद्बोधिनी सभा का गठन 1839 में किया था। कब गठन किया था? 1839 में गठन किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाली भाषा में तद्बोधिनी सभा पत्रिका भी निकालते थे। कौन सी भाषा में निकालते थे? बंगाली भाषा में। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, ईश्वरचंद विद्यासागर, अश्विनी कुमार जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी इस समाज से जुड़े थे। ब्रह्मा समाज इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है, तो पहले पार्ट को जरूर देख लेना। पूरा का पूरा ब्रह्मा समाज के बारे में बताया, राजा राममोहन राय जी के बारे में जो तथ्य छूट गए थे वो इस क्लास में कवर कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है फिर, 1858 में केशव चंद्र सेन ब्रह्मा समाज से जुड़े, और केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज में क्या बनाया गया? आचार्य बनाया गया था, आचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था सर केशव चंद्र सेन को। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। कब जुड़े थे? 1858 में। सेन के प्रयासों से ब्रह्मा समाज की शाखाएं कहाँ कहाँ पे खुली? सब शाखा संयुक्त प्रांत में खोली गई, बम्बई में, मद्रास में और बंगाल में शाखा खोल दी गई थी। ठीक है, खोल दी गई थी। किसके प्रयासों से ये शाखा खुल रही है? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। कौन सी समाज की है? ब्रह्मा समाज की शाखाएं खुल रही हैं। ठीक है, और ब्रह्मा समाज का क्या उद्देश्य था? पहली क्लास में मैंने पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी याद रखना, मूर्ति पूजा का विरोध था, और कर्म फल पर इन्होंने वो दिया था कि जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से जीवन में फल मिलेगा आपको। 1866 में केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं। ये वाला प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, याद रखना। 1866 यानी कि 1865 में ब्रह्मा समाज से केशव चंद्र सेन को निकाल दिया गया। मतभेद हो गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में, मतभेद हो गए, और आपस में जब मतभेद हो गए तो उनको निकाल दिया गया। तो जब ब्रह्मा समाज से इनको निकाल दिया केशव चंद्र सेन को, तो इन्होंने 1866 में केशव चंद्र सेन ने क्या, ब्रह्म समाज तो ये है ही नाम, इसके सामने है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर की जो ब्रह्म समाज थी उसका नाम आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। किस ब्रह्म समाज से? आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब ये तथ्य हो गए ब्रह्म समाज के। पूछे जाते हैं केशव चंद्र सेन ने कौन सी ब्रह्म समाज बनाई? तो भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के नाम से कौन सी समाज जानी जाती थी? ब्रह्म समाज, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। सभी समाजों ने समाज के सुधार के लिए काम किए, उसी क्रम में प्रार्थना समाज ने भी समाज सुधारक काम किए। जैसे 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी। कहाँ पे स्थापना करी? बम्बई में। और कौन सी वर्ष में प्रार्थना समाज बनते हैं? 1867 में बनती है। किसके प्रयासों से? सहयोग से, केशव चंद्र सेन के सहयोग से स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, नोट कर लेना। अगला मुद्दा है इसमें, प्रार्थना समाज में अनेक व्यक्तियों का योगदान रहा, जैसे महादेव गोविंद रानाडे, आर जी भंडारकर, एन जी चंदावरकर शामिल थे इसमें। ठीक है,
ये बहुत प्रसिद्ध लोग थे जो ब्रह्म समाज सॉरी प्रार्थना समाज में जुड़े थे। नोट कर लेना, महादेव गोविंद रानाडे भी बहुत फेमस व्यक्ति, ठीक है, प्रार्थना समाज में जुड़े थे। अगला पॉइंट है, प्रार्थना समाज जब बनी तो इसके उद्देश्य क्या थे? तो देखिए, जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये उद्देश्य रखा है उन्होंने। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, स्त्री शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, किसने काम किया? प्रार्थना समाज ने। अगला तीसरा उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना विधवा पुनर्विवाह को, यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे दोबारा से पुनः शादी करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये प्रार्थना समाज के उद्देश्य थे, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, नोट कर लेना। अगला नोट करके लिखना यहाँ पर, धोंडो केशव कर्वे, यानी कि डी के कर्वे, पूरा नाम था धोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री ने मिलकर विधवा पुनर्विवाह पर कार्य किया था। किस पर कार्य किया था? विधवा पुनर्विवाह पर कार्य किया था, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, स्त्री शिक्षा पर सावित्री बाई फुले ने कार्य किया, सबसे ज़्यादा स्त्री शिक्षा पर किसने काम किया, ये प्रश्न आता है भारत में स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के, सर्वाधिक यदि किसी ने काम किया तो वो सावित्री बाई फुले ने काम किया था, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है, सावित्री बाई फुले पहली महिला अध्यापक भी थी भारत में, ये अलग पॉइंट है, मैं थोड़े से आपको बता दे रहा हूँ, है ना, चूँकि प्रार्थना समाज में तो इतने तथ्य थे। इसके अलावा 1948 में पुणे शहर में पहला बालिका विद्यालय खोला गया था, कौन से शहर में खोला गया था? महाराष्ट्र के पुणे शहर में पहला बालिका विद्यालय था, ये नोट कर लेना, पुणे शहर में, ठीक है, 1948। 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से ये कानून पारित कराया गया, 1930 में ये कानून पारित कराया गया था, किसके सहयोग से? डॉक्टर हरविलास शारदा। तो इसमें लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इनको रखा गया था, ठीक है, ये नोट कर लेना, लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष से कम और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कौन सा अधिनियम था ये? शारदा अधिनियम की बात है, डॉक्टर हरविलास शारदा अधिनियम, वर्ष 1930 की बात है ये, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक में छोटा सा ही टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत जल्दी मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ इसमें क्या याद करना है आपको? प्रार्थना समाज, और ज़्यादा पॉइंट नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, किसके सहयोग से करी, वर्ष कौन सी थी, जगह कौन सी थी, और कुछ ये ब्रह्म समाज के पॉइंट हैं जो ऊपर से मैंने आपको बता रखे हैं। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक सुधार आंदोलनों का, इसमें ब्रह्म समाज, विधवा पुनर्विवाह और प्रार्थना समाज, ये तीनों टॉपिक हो गए, लगातार जितने भी आंदोलन हुए वो सभी पढ़ाएंगे, और फिर पूरा का पूरा जो अलग अलग आंदोलन थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, उन सभी आंदोलनों की डिटेल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ आप शेयर करें, जैसा कि आप जानते हैं निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल यूपी पुलिस के लिए, एसआई के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल्स में मैं ये टॉपिक्स आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आरओ के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक करना भी ना भूलें क्लास को, राधे राधे, नमस्कार।